बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। प्रभावती एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की सैकड़ों छात्राएं छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से नाराज होकर गया समन्वय कार्यालय पहुंचकर डीएम से मिलने पहुंचे थे। हालांकि डीएम के छुट्टी पर रहने के कारण निराश होना पड़ा, लेकिन प्रभारी डीएम से मिलकर सैकड़ों छात्राओं ने अपनी समस्याओं को रखा। छात्राओं ने आवेदन देकर कहा कि हम लोग एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राएं हैं जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। 14 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक हम लोगों का छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। कॉलेज प्रशासन से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। प्रभारी डीएम को आवेदन सौंपने के बाद उन्होंने एक सप्ताह के अंदर समस्याओं पर मंथन कर दूर हो जाने का आश्वासन दिया। पूछे जाने पर प्रभावती एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की प्राचार्य सुमन कुमारी ने बताया कि छात्राओं की जो समस्या है वो जायज है। अलॉटमेंट अभी पूरी नहीं आने के कारण छात्राओं को समस्या हो रही है। सरकार से भी मात्र 5 लाख रुपया ही आया है। छात्राओं को बोला गया है कि जो अभी राशि आई है उसी में हिसाब कर बांट देते हैं, बाकी जो अगली बार राशि सरकार द्वारा भेजी जाएगी उसके बाद मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद ये सभी छात्राएं डीएम से मिलने गए थे। वही छात्राओं ने कहा कि हम लोगों की समस्या को अगर एक सप्ताह के अंदर निदान नहीं होता है तो धरना पर बैठ आंदोलन करने को वो मजबूर हो जाएंगी। हम लोग डीएम साहब से मिले, डीएम साहब बोले कि आप लोग को 8 दिन में मतलब जो कंप्लेंट किए हैं उस पर कार्रवाई किया जाएगा और हम लोग को रहने के लिए भी सब कुछ का व्यवस्था हम लोग को चाहिए। तो बोले कि ठीक है, जनता दरबार में आप लोग आइएगा, आप लोग का कार्रवाई होगा। आज तो डीएम साहब नहीं मिले, लेकिन एडीएम साहब थे, उनसे हम लोग की बातचीत हुई। वो हम लोग का अप्लीकेशन लिए, रिसिप्ट भी दिए, बोले कि हम लोग पहुँचेंगे डीएम साहब के पास, बात रखेंगे, उसके बाद कंप्लेन करेंगे। क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। क्या आप लोग का डिमांड? हम लोग को सर अप्लीकेशन भी लिए और बोले भी कि 8 दिन के अंदर इस बात पे हम लोग मंथन करेंगे। क्या मांग है आप लोग, क्या डिमांड? हम लोग का स्टेपन का पैसा नहीं मिला है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा? डेढ़ साल से हम लोग का स्टेपन का पैसा नहीं मिला है। कहीं इसके ऊपर में आप लोग प्रभारी को बताएं या फिर हम लोग मैम को बोले थे कि मैम, तो मैम बोले अभी पैसा नहीं आया है, पैसा आएगा तो हम देंगे आप लोग को। तो वहाँ से क्या आश्वासन आप लोग को मिला? वहाँ से यही मिला कि आप लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं इस पे हम 8 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग को नहीं होगा तो आप लोग फिर से आइएगा। आगे अगर नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को तो स्टाइपेंड डिमांड हम लोग कर दिए थे सरकार से कि हम लोग को चाहिए, क्योंकि पिछले विगत पुराना 2 बैच 17, 19, 18, 20 दो बैच का भी अलॉटमेंट अभी मैंने पूरा नहीं है, जिसके कारण स्टाइपेंड बाकी है और इन लोग का भी बाकी है, इसके सीनियर का भी बाकी है, मिला जुला के भी 4 बैच का स्टाइपेंड बाकी है। तो अभी हम लोग के पास मात्र सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया आया है, ठीक है। तो वो 5 लाख रुपया में इन लोग का हम लोग बोले कि ठीक है 5 लाख रुपया आया है तो हम लोग 5 लाख रुपया का हम लोग तुम लोग जितना भी बनता है उतना हम लोग अभी दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सरकार से फिर डिमांड करेंगे। तो इन लोग का कहना है कि नहीं, हमको 5 लाख हमको एक बार हमको पूरा 1.5 साल का पैसा चाहिए। तो हम बोले ठीक है ऐसा बात है, तो सुपरिटेंडेंट से मिलिए, तो सुपरिटेंडेंट से भी इन लोग आज मिली जा करके, हम भी वहीं पर थे, तो सुपरिटेंडेंट यही बात बोले कि भाई 5 लाख रुपया ही आया है, इसके पहले भी 3 बैच का बाकी है पैसा, तो हम कैसे क्या करेंगे, जितना हो सकेगा हम 5 लाख रुपया में हम आप लोग को दे देंगे। तो हम लोग इतना भी बोले कि चलो ठीक है, उन लोग को सीनियर को नहीं देंगे, पहले तुम लोग को 2-3-4 महीना का जो भी बनता है हम लोग दे देंगे। तो नहीं, हमको 1.5 साल का पैसा पूरा चाहिए तो चाहिए। तो इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग बोले भाई तो 1.5 साल का पैसा तो एक बार तो नहीं मिल सकता है ना, 1.5 साल का पैसा एक बार नहीं मिल सकता, जब तक सरकार नहीं आवंटन भेजती है तब तक तो नहीं मिल सकता है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।